बेस्ट हेडशॉट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो गाइस आप लोग सोचो कि अगर हमारे फ्री फायर में हेडशॉट कैरेक्टर होता जिनका यूज करके हम लोग हेडशॉट मार पाते तो वहाँ पे आपको कैसा लगता? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सच में ही हमारे फ्री फायर में हेडशॉट कैरेक्टर है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। क्या बात करता है यार। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको उन सारे हेडशॉट कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनका यूज करके आप लोग बहुत ही आराम से हेडशॉट मार पाओगे और जिन कैरेक्टर्स के बारे में आप लोग अनजान हो। तो गाइस वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखते रहो। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे फ्री फायर में हम लोग एक साथ 4 कैरेक्टर्स की एबिलिटी यूज कर सकते हैं, 3 पैसिव कैरेक्टर्स और 1 एक्टिव कैरेक्टर। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको 3 हेडशॉट पैसिव कैरेक्टर्स बताता हूं जिनका यूज अगर आप लोग करोगे तो आप लोग तगड़े वाले हेडशॉट मार सकते हो। तो गाइस हमारा जो सबसे पहला कैरेक्टर है इसका नाम है लूना कैरेक्टर। अब देखो इस कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है कि जब आप लोग ये कैरेक्टर यूज करके फायरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपका 8% रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाता है, और जब आप लोग किसी एनिमी को डैमेज देते हो तो आपका जो 8% रेट ऑफ फायर है वो धीरे धीरे 15% तक इंक्रीज हो जाता है, जो बाद में मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो भाई इस कैरेक्टर के साथ हेडशॉट का क्या कनेक्शन है? तो गाइस यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ इस कैरेक्टर के साथ हेडशॉट का क्या कनेक्शन है। देखो गाइस आपको पता है कि हमारे फ्री फायर में जिस गन में रेट ऑफ फायर ज्यादा है उस गन में हेडशॉट मारना काफी ज्यादा आसान होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोग यहाँ पे यूएमपी गन से अच्छा खासा हेडशॉट मार लेते हो मुझे पता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास MP5 मैक्स लेवल में है तो वहाँ पे आप लोग MP5 से और भी आराम से हेडशॉट मार पाओगे, क्योंकि MP5 मैक्स में क्या होता है कि रेट ऑफ फायर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारा जो एम है, हमारा एम एनिमी के बॉडी में नहीं चिपकता है, बहुत ही आराम से एनिमी के हेड तक पहुंच जाता है। तो भाई जिस गन में भी रेट ऑफ फायर ज्यादा होता है उस गन से हेडशॉट मारना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो गाइस ये कैरेक्टर वही काम करेगा चाहे आपके पास गन स्किन हो या फिर ना हो, ये कैरेक्टर आप लोग जब भी यूज करोगे और आपके हाथ में कोई सा भी गन होगा, वन टैप का ही गन हो या फिर ड्रैग का ही गन हो, उस गन में रेट ऑफ फायर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है 15% तक, तो उससे आप लोग बहुत ही आराम से हेडशॉट मार सकते हो। अभी हमारे नंबर 2 में जो कैरेक्टर आता है इसका नाम है दशा कैरेक्टर। अब इसका एबिलिटी क्या है कि जब भी आप लोग किसी एनिमी को डाउन करते हो तो वहां पे आपका 12% रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाता है और आपका यहाँ पे 18% मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप लोग एनिमी को डाउन कर दोगे वहाँ पे 6 सेकंड के लिए ना आपका 12% रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाता है। अब पहले कैरेक्टर में आपका 15% रेट ऑफ फायर इंक्रीज होगा, यहाँ पे आपका और 18% रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब टोटल 33% रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा। गाइस आप लोग थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर आप लोग MP5 मैक्स लेवल में यूज कर रहे हो और वहां पे आप लोग ये 2 कैरेक्टर की एबिलिटी रखे हो ना तो आपका MP5Z इतना खतरनाक चलेगा कि आप लोग कोई भी बंदे को बहुत ही आराम से हेडशॉट मार सकते हो। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जिस गन में रेट ऑफ फायर ज्यादा होता है उस गन से हेडशॉट मारना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। अभी बात करते हैं हमारे तीसरे कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है डीपली कैरेक्टर। अब देखो इस कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है कि जब आप लोग ये कैरेक्टर यूज करके थोड़ा सा मूविंग करके फायरिंग करोगे तो वहां पे आपका 13% मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा और 60% एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मूवमेंट की बात को हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग सोच के देखो कि आपका 60% एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो भाई इस कैरेक्टर के साथ हेडशॉट का क्या कनेक्शन है, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ। गाइस देखो आप लोगों को पता ही है कि फ्री फायर में न्यू ट्रिक चल रहा है, मतलब आप लोग कोई सा भी गन से हेडशॉट मारो आपको जॉयस्टिक बटन का यूज जरूर से करना पड़ता है। मतलब आप लोग चाहे यूएमपी से ओनली रेड नंबर हेडशॉट मारने जाओ या फिर डेजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट मारने जाओ या फिर शॉर्ट गन से किसी बंदे को हेडशॉट मारने जाओ, वहां पे आपको जॉयस्टिक बटन का यूज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो गाइस ये कैरेक्टर वही काम करेगा कि जब आप लोग इस कैरेक्टर को यूज करोगे और आप लोग जब भी जॉयस्टिक बटन का थोड़ा सा भी यूज करोगे तो वहां पे आपका 60% एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका एक भी बुलेट मिस नहीं होगा, हर एक बुलेट बहुत ही आराम से एनिमी को टच करेगा। तो यहां से आप लोग किसी भी गन से बहुत ही आराम से हेडशॉट मार सकते हो, चाहे आप लोग यहाँ पे कोई ड्रैग के गन यूज कर रहे हो, मतलब कोई SMG गन यूज कर रहे हो, AR गन यूज कर रहे हो या फिर वन टैप के गन यूज कर रहे हो। तो गाइस जितने भी
प्रो प्लेयर से सारे बंदे डीपली कैरेक्टर का यूज जरूर से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जॉयस्टिक बटन का यूज करके ही उन्हें हेडशॉट मारना है। और जब आप लोग इस कैरेक्टर का यूज करके जॉयस्टिक बटन को थोड़ा सा भी हिलाओगे तो वहां पे आपका 60% एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है। ये तो था तीन पैसिव कैरेक्टर। अभी जो आपको एक्टिव कैरेक्टर में यूज करना है उसका नाम है वुकोंग। अब देखो वुकोंग क्या काम करता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है। अगर आपको हेडशॉट मारना है तो आपको तीन पैसिव कैरेक्टर में मैंने आपको जो बताया है लूना, दशा और डीपली कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करना है, और आपको एक्टिव कैरेक्टर में वुकोंग रखना है, क्योंकि वुकोंग से आप लोग बहुत ही आराम से हेडशॉट मार सकते हो, ये चीज आपको भी पता है। तो कि सबसे पहले आप लोग ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखो, अगर आपका हेडशॉट बहुत ही आराम से वर्क करता है तो वीडियो में आके वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना।